चलिए आज की वीडियो क्लास में हम लोग जो है ये आज का टॉपिक हम लोग का है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो आपका बोर्ड एग्जाम है, 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स, प्रकाश वाले चैप्टर का जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हर एक साल एग्जाम में इसे रहता है क्वेश्चन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th फिजिक्स का ऑप्टिक्स प्रकाश वाले चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको एग्जाम देने के लिए जाने से पहले इसको अच्छे से देख करके जाना है, क्योंकि हर एक साल इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। तो ये आपका टॉपिक क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो इसको समझेंगे सबसे पहले, बिल्कुल आसान सा है और हर एक साल 12th बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। तो इसको देख करके जाना है, एकदम सिंपल सा आसान है, इसको हम लोग बना करके आएंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को जानते हैं। जैसे ये हम लोग कोई सतह लिए, ऊपर हम लोग ले लिए सघन माध्यम, ले लिए डेंसर मीडियम, ले लिए डेंसर मीडियम, ले लिए सघन माध्यम, ले लिए और नीचे हम लोग जो है विरल माध्यम ले लिए, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम ले लिए हम लोग। तो ये ऊपर सघन माध्यम ले लिया, नीचे हम लोग जो है विरल माध्यम ले लिए। तो ये माध्यम जानते हैं हम लोग, जैसे सघन माध्यम, तो सघन माध्यम किसे बोलेंगे, तो जिसका कण पास पास होता है तो उसको सघन माध्यम बोलेंगे, और जिसका कण दूर दूर होता है तो उसको विरल माध्यम बोलेंगे। सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ऊपर में हम लोग वाटर ले लिए और नीचे हम लोग जो है एयर ले लिए, हवा ले लिए। तो ऊपर पानी ले लिए, नीचे हवा ले लिए, तो ऊपर कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, और नीचे आपका विरल माध्यम हो गया। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं इस चीज को कि यदि प्रकाश आपका जो है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो सिंपल सा जानते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, या नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो ये आपका प्रकाश आ रहा है, तो जो प्रकाश आ रहा है इसको आपतित प्रकाश बोलेंगे। ये प्रकाश क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो बीच में हम लोग यहाँ अभिलंब खींच देते हैं, ये नॉर्मल बना देते हैं हम लोग। नॉर्मल कुछ होता है नहीं, सिर्फ एक काल्पनिक सा रेखा होता है जो इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसको गुना भाग करने में आसान हो, इसलिए हम लोग ये नॉर्मल यहाँ पे खींच देते हैं। अब जैसे ये प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश किधर से किधर जा रहा है, तो प्रकाश पानी से हवा में जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। अगर ऊपर पानी और नीचे भी यदि पानी रहता, वाटर रहता, तो क्या होता प्रकाश, हम लोग जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। अगर मान लो माध्यम नहीं बदलता, ऊपर भी वो पानी है नीचे भी पानी है, तो प्रकाश किधर जाता, प्रकाश सीधी रेखा में जाती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, माध्यम बदल रहा है, प्रकाश जो है पानी से हवा में जा रही है, वाटर से एयर में जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं इस चीज को कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हम लोग का ये जो है ये अभिलंब है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो प्रकाश जाना तो सीधे, लेकिन क्या होगा अभिलंब ये है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, ये दूर चल जाएगा, जाना तो सीधे लेकिन ये क्या होगा दूर चल जाएगा। तो ये जो है प्रकाश ये दूर जा रही है। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या देख रहे हैं कि अभिलंब से दूर हट गई। अगर माध्यम सेम रहता, ऊपर भी अगर मान लो मान लीजिए पानी है नीचे भी पानी है, तो प्रकाश सीधी रेखा में जाती है, लेकिन प्रकाश पानी से हवा में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो देखिए अभिलंब से दूर हट गया। तो ये जो कोण बनता है आपका, ये कोण जो बना, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको आई से सूचित करते हैं। तो ये आपतन कोण हो गया, और जो प्रकाश की किरण ये जा रही है अपवर्तन के पश्चात जाती है इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं। इसको अब ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। और एक स्टूडेंट पता है क्या किया था, एक स्टूडेंट क्या किया था कि जैसे यो प्रकाश आ रही है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण, अगर मान लो कोई प्रकाश किरण टकरा के जा रही है तो बच्चा ज्यादा एडवांस था, इसको बोलते आने वाले को आपतित किरण, तो बोल दिया जाने वाले को जापतित किरण। तो यहाँ पर क्या हो, तो ऐसा नहीं काम करना हम लोग को। ये जो
प्रकाश आ रही है आपतित किरण हो गया, ये आपका आपतन कोण हो गया, और जो प्रकाश अपवर्तन के पश्चात जा रही है तो ये वाला जो कोण बन गया ये बन गया आपका अपवर्तन कोण बन गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, यदि आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का भी मान बढ़ेगा, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। तो देखिए आई का मान बढ़ा के हम लोग कर दिए आई से, कर दिए आई वन, आई से क्या कर दिए तो ये आई वन कर दिए। तब यहां देखिए तो ये आर का भी मान बढ़ेगा, तो आर का मान बढ़ के क्या हो गया, तो ये आर का मान बढ़ के हो गया आर से आर वन हो गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यदि आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ रहा है। अब देखिए अब आपतन कोण का मान इतना अधिक बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, आपतन कोण का मान इतना अधिक बढ़ा दे रहे हैं कि ये आपका अपवर्तित किरण जो है ये सीधे निकल जा रही है, ये सीधे चली जा रही है। मतलब यहाँ पर आपतन कोण सॉरी अपवर्तन कोण का मान कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो उस आपतन कोण को ही बोलते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और इसको आईसी से सूचित किया जाता है। तो आपका ये आईसी क्या हो गया, ये आईसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण बोलते हैं, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं या क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, इसे आईसी से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद देखिए अब फिर से वही कंडीशन ले रहे हम लोग, यहाँ देखिए फिर से वही सेम चीज आपका है, ऊपर आपका सघन माध्यम है, नीचे क्या है, नीचे विरल माध्यम है, मतलब ऊपर आपका डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये वाला रेयर मीडियम है। तब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब देखिए प्रकाश मान लीजिए ऊपर आपका पानी है वाटर है, और नीचे आपका एयर हवा है आपका, तो ये आपका हो गया सघन माध्यम, नीचे हो गया विरल माध्यम। अब यदि प्रकाश जो है आपका सिंपल सा चीज है, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, विलंब से दूर हटेगा, तो ये जाना था इसको सीधे, जाना था इसको सीधे, लेकिन ये क्या होगा, विलंब से दूर हट जाएगा, विलंब से दूर हट गया। अभी बताया आपको सिंपल से इस वाले फिगर में, वही सेम कंडीशन आपका है, ये वाला जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे आप, इसको आपतन कोण बोलेंगे आई, ये वाला जो कोण बनेगा इसको अपवर्तन कोण बोलेंगे आर बोलेंगे। अब देखिए अब सेम, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान कर देते, यदि आपतन कोण का मान इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यहां पर क्या देख रहे हैं, यदि आई का मान बढ़ाएंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो यह अपवर्तन कोण आर का भी मान बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, तो आई का मान इतना अधिक बढ़ा दिए कि ये आपका अपवर्तित किरण जो था ये सीधे चले गया, ये सीधे चले गया, मतलब यहाँ कोण कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो इस आपतन कोण को ही कहते हैं क्रांति कोण, इसको आई सी से सूचित किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से भी अधिक कर दे, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर दे तब क्या होगा प्रकाश, तब प्रकाश क्या होगा, जिस माध्यम से आई थी अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तब इस घटना को ही प्रकाश के इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। सिंपल सा यही आपका क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और इसी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आपका प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। और भी क्वेश्चन आता है इसमें, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गर्मी के दिनों में दूर का सड़क भींगा हुआ नजर आता है, लेकिन नजदीक जाने पर ऐसा नहीं होता, क्यों? तो किसके कारण? तो इसी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में दूर में तालाब नजर आता है, लेकिन नजदीक जाने पर तालाब नजर नहीं रहता, क्यों? तो इसी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। या एक क्वेश्चन आता है मृग मरीचिका, तो ये रेगिस्तान वाला को बोलते हैं मृग मरीचिका। रेगिस्तान में गर्मी के दिन में दूर में तालाब नजर आता है, इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण होती है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। सिंपल सही, अगर सारांश में देखें, इसको शॉर्ट में देखें, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिंपल सा है, आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, आई का मान बढ़ाएंगे तो आर का भी मान बढ़ेगा। आई का मान इतना अधिक बढ़ा दिए कि ए आर का मान कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ये क्रांतिक कोण हो गया। यदि आप तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से विधि करते हैं तो प्रकाश जिस दिशा जिस माध्यम से आई थी अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो आज की वीडियो क्लास में इतना ही, फिर अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका किसी भी 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है अगले वाले वीडियो क्लास में फिर हम लोग देखेंगे।